Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Tag TV UK talk show, London dialogue and discourse, every Tuesday night 7 PM UK time. टैग टीवी यूके टॉक शो में आज हम बातचीत करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मुसलमानों के जज्बात हर्ट हो जाने के हवाले से. एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स इशू है और इस इशू के इंतहाई माहिर जनाब मुनीर परवेज सामी साहब को मैंने दावत गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी है, इसलिए कि मुनीर सामी साहब पैन कैनेडा में भी इसी मसला पर एक्टिव रहे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी वो इस मुद्दे को उठाते रहते हैं. वेलकम मुनीर परवेज साहब, बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव मामला है ये, आप इसको कैसे देखते हैं? जी शुक्र साहब, गौरव साहब, पहली तो बात यह है कि मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो अपनी राय है वो मैं आपको दे सकता हूँ. देखिए, इसकी ये बातें दो बड़ी वाज़े बातें हैं. जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है उसको मुसलमानों ने पूरी दुनिया में आम तौर पे चंद इसना के अलावा उसको ना समझने की कोशिश की है, ना उसकी रिस्पेक्ट की है. और उसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान आबाद रहे हैं, पुरानी कॉलोनीज़ में या जब वो आज़ाद होकर अपनी ममलिकतें उन्होंने बना ली हैं, तो उसमें कहीं पे भी वो जो हैं उनके यहाँ आज़ादी इजहार का ना तो कोई तसव्वुर रहा है, ना उन्हें आज़ादी इजहार हासिल रही है. जैसे कि सर पाकिस्तान की सूरत है, अरे पाकिस्तान में इस वक्त कहते हैं कि पिछले 70 साल में जब से पाकिस्तान बना है, फौजी हुक्मरानी रही है, उस सब के बाद आज इमरान खान के ज़माने में जो गत इजहार आज़ादी की बनी है, आज़ादी के इजहार की और इजहार की आज़ादी की, तो उसका उससे बुरा हाल कोई नहीं है. बल्कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही कह दिया, जब ये बात हो रही थी कि फ़ौज के ऊपर जो है तनकीद करना जुर्म करार दिया जाएगा, कानून वो बना, उस पर भी उन्होंने खुल के कह दिया कि नहीं, हम तो फौज को जो भी ज़रा सी कोई तनकीद भी करेगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और फौज के साथ में खुद ही बात करूँ. ये तो खैर उनके वहाँ की बात ही हो गई. यही हाल तुर्की में है, जो लोग इस वक्त आपको शोर मचाते नज़र आ रहे हैं, यही हाल जो है वो मिस्र में है, यही हाल सारी ममलिकतों में है, ठीक है, सऊदी अरब में भी, हर जगह पर यही है. तो उन लोगों ने कभी इसको समझा ही नहीं. जो मुसलमानों के ख्यालात लेके आजकल आ रहे हैं कार्टूनों के मसले पर, जो दोबारा बना है चार्ली हेब्डो का, तो उसको दोबारा लेके आया, तो उसमें सीधे सीधे किस्सा ये है कि जो मुसलमानों ने अपने आप को जिस रंग में पेश किया है, यानी मुसलसल एक खूनी रंग में पेश किया है, और बदकिस्मती से उस सब का सेहरा वो अपने रसूल के सर पर बांध देते हैं. यानी जब भी कोई कहता है कि जी फलाने को कत्ल नहीं करो, तो कहते हैं कि हमारे रसूल की सुन्नत है, फलाने के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं करो, हमारे रसूल की सुन्नत है, बच्ची से शादी नहीं करो. जैसे आजकल पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि आरजू एक बच्ची है 13 साल की, उसे ज़बरदस्ती शादी करी, ज़बरदस्ती मुसलमान किया, तो उसके साथ शादी करने जाओ तो चाहे कानून मुल्क में 18 साल का हो या 21 साल की शादी का हो, तो उसको भी अगर कोई उठाता है तो उसको भी गैर इस्लामी मसला वो बना देते हैं. तो इस वजह से ये जो बिल्कुल ही दो मुख्तलिफ धारे हैं, एक धारा है कि जी मुसलमानों के सेंटिमेंट का, उस सेंटिमेंट को भी वो सब के सब लाते हैं तौहीन रसालत पर और अपने रसूल की इज्जत के ऊपर, और ज़रा ज़रा सी बातों पे रसूल की इज्जत उन्हें उछलती नज़र आने लगती है और फिर जाके कत्ल गारत गरी करें. अभी अभी आप शायद सुन रहे होंगे कि वियना में, ऑस्ट्रिया में किसी सिनेगॉग में हमला कर दिया, पता नहीं किसने किया है, लेकिन हुकूमत यही करी कि टेररिस्ट लोग हैं, क्या है पता चलेगा, करें 6-7 लोगों ने ये हरकत की है. तो बुनियादी तौर पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिपीट करना चाह रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया के अंदर आज़ादी इजहार की कभी कोई हैसियत नहीं रही है, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बात को सामने रखने की कोशिश की, वो जज्बात भी जाली तौर पे पेश किए हैं, और हर बुरे मामले को चूँकि उन्होंने रसूल से जोड़ दिया है ले जाकर, हर चीज़ की जो 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 हदें हैं, जो सरहदें हैं, जो इब्तिदा है, वो रसूल सल्लम के कौल से और हदीस से होती है, उससे जोड़ के वो अपने रसूल को बदनाम करते हैं, और जब रसूल बदनाम होते हैं तो वो कत्ल गारत गरी पे उतर आते हैं. सर, आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कभी भी आदत नहीं रही, कभी भी माहौल नहीं रहा, और इमरान खान और तुर्की के प्रेसिडेंट की मिसालें दी जो इस वक्त इस्लामी इंतहा पसंदी की इंतहाओं को छू रहे हैं. लेकिन जो मुसलमान कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बसते हैं,
वो भी तो हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो उनको तो यहाँ पर रहते हुए इन वैल्यूज़ का एहसास होना चाहिए। क्या वजह है कि वो हम आहंग नहीं हो पा रहे? देखिए गौर साहब, इसकी बात हम कई दफ़ा पहले भी कर चुके हैं कि जो यहाँ पे जो भी मुसलमान अपने अपने मुल्कों से तर्क वतन करके अपने खुद इख्तियार करदा मुल्कों में जाके बसा है, तो वहाँ पे भी अपने साथ ये मामले लेके जाते हैं कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला और झंडा बुलंद करके रहेंगे, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ हमारा कानून चलेगा। और अल्टीमेटली उनके नज़दीक उनके जहन में दो बातें, एक बात यह है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा कभी उतर के आएंगे और जिस मज़हब का वो प्रचार करेंगे वो भी इस्लाम होगा, और एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा, और यही बोलबाला हर जगह करने पे लगे हुए हैं। बदकिस्मती से उन्होंने इसका शिकार मग़रिबी मुल्कों के सियासतदानों को भी कर लिया, बिलखसूस आप कनाडा में हैं, कनाडा की हम बात करते हैं, जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वही ज़बान बोलनी शुरू कर दी है जो मुसलमान अमल परस्त शिद्दत परस्त उनसे बुलवानी चाहते हैं। तो ये जो आपको नज़र आता है, तो मुसलमान, सच बात यह है गोरे साहब के चंद मुसलमान आपको वाकई ये नज़र आएंगे कि जी हम आके कनाडा में या अमेरिका के माहौल में रच बस गए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 98 से 99% लोग जो हैं वो उस धारे से नहीं निकले हैं। और जैसे ही एक दोबारा से जाविया उठाया जाता है मजहब का, तो सारे के सारे उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। देखिए महेश साहब, आपने फरमाया कि मुसलमानों के जज्बात की बात, तो एक तो मामला ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ना समझना, इमरान ख़ान और तैयब उर्दगान जैसे लोगों का बोलते रहना, दूसरा यहाँ पर जो हमारे मुसलमान कम्युनिटीज़ के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग का अनफॉर्चुनेट लेवल है वो अपनी जगह पे, लेकिन क्या वाकई ही कोई मुस्लिम सेंटीमेंट्स का कोई जेन्युइन फैक्टर है? देखिए, कभी भी मजहबी जज्बात का जेन्युइन फैक्टर नहीं होता है। मजहबी जज्बात जो होते हैं वो आपने अपने ऊपर ओढ़े हुए होते हैं, अपने ऊपर जारी किए हुए होते हैं। यहूदियों का भी मज़हब है, ईसाइयों का भी मज़हब है, हिंदुओं का भी मज़हब है, लेकिन जब वो यहाँ रहते हैं, मग़रिब में रहते हैं, चाहे उनकी हुकूमतें क्यों नहीं हों, तो वो निज़ाम रियासत में अपने मज़हबों को शामिल नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं ना, मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकते हैं, उन्होंने खुद इख्तियारी तौर पे ये रद्द कर दिया है कि हम हुकूमती मामलात में मजहब को लाएंगे। उसके बदले जो मुसलमान हैं उनके अंदर ये खून में ये बात, उनकी घुटी में ये बात है कि हमारा मजहब और रियासत एक ही है, जिस भी रियासत में हम रहेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारा मजहब चलेगा। और चूँकि 99% लोगों के की घुटी में ये बात डाल दी गई है, तो वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, ना वो उससे निकल सकते हैं। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि जो हम प्रोटेस्ट कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में देख रहे हैं इस मसला पर, यहाँ की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल जो अपनी पावर बनाना चाह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करके, और इस वाक़े की आड़ में वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं? जी गौसाब, में ये हकीकत है। हकीकत यह है कि गुज़श्ता मुझे 28 साल हो गए कनाडा के अंदर आए हुए, और रफ्ता 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 एक मस्जिद से लेके 100 मस्जिदें बन गईं, और आहिस्ता 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 मुसलमानों ने, बिलखसूस जो शिद्दत पर मुसलमान थे, इख़्वानुल मुस्लिमून को मानने वाले, जमात इस्लामी को मानने वाले, उन्होंने मग़रिबी तौर तरीक़े ही इख्तियार करके इन हुकूमतों में दखल अंदाजी शुरू की। और चूँकि यहाँ की हुकूमतें अक्सर कभी कभी, जैसे इस वक्त भी आप देखेंगे कि कनाडा में जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, किसी वक्त भी वो टॉपल हो सकती है। अभी फ़िलहाल कंजर्वेटिव पार्टी ने आके उनके खिलाफ बार 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 एतमाद के वोट लाने शुरू किए हैं, तो किसी वक्त भी हुकूमत गिर सकती है। तो ये हुकूमत जो है ये फंदे में फंस गई है मजहबियों के, बिलखसूस मुसलमानों के उनके वोट हमें मिलते रहे तो हम इक्का दुक्का सीटें ले लेके अपनी हुकूमतों का दफा कर लें। और ये हकीकत है कि गुज़िश्ता 28 साल में जो मैंने देखा है, और लोगों ने 50 साल में देखा होगा, कि रफ्तार 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 जो मुसलमान थे वो बहैसियत मुसलमान होने के, यानी बहैसियत कैनेडियन सिटीज़न, उनका हक़ है कि वो हुकूमत में हिस्सा लें, वो इंतखाबात, लेकिन वो आ रहे हैं मजहब की बुनियाद के ऊपर, वहाँ यही दिखाना चाहते हैं मस्जिदों में ला के इन रहनुमाओं को, और अपने जलसों में मजहबी लाला के बड़े बड़े जिन जहाँ उनको पैसे बाहर से मिलते हैं ये बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज करने के, तो उन्होंने हुकूमत पर ये तरीके से जता दिया है
कि हम जो आएंगे तो हम तो मजहब की बुनियाद पर ही आएंगे, तो हमें मजहब की आज़ादी की बुनियाद पर जो हम चाहते हैं मनमानी करने दो, उस मजहब की आज़ादी को वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं। चलिए, वो तो सर उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुसलमानों की जो मेजोरिटी है वो इनके साथ नहीं है, वो अपने तौर पर 9 to 5 लोग हैं, मगर हम जब उनके भी देखते हैं मामलात तो वो भी बिल आखिर उन्हीं के ख्यालात की तरफ अपने आप को माइल नज़र आते हैं। देखिए, जो मुसलमान, और मुझे बात तल्ख है कहते हुए, लेकिन जो मुसलमान बार बार आपसे ये कहता रहे कि नहीं, हम तो कनाडा की माहौल में रच बस गए हैं, हमारा शिद्दत पसंद से कोई ताल्लुक नहीं, वो आपसे झूठ बोलते हैं। और ये झूठ हम रोज़ाना देते हैं। हम जो हैं, जो कम्युनिटी न्यूज़पेपर हैं उनकी राइटिंग्स में देखते हैं, हम उनके फेसबुक ग्रुप्स में देखते हैं, हम बार बार उन जो ख़वातीन और इवन हजरात भी जो अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा और मोतदल मिजाज साबित करते हैं, वो इस बात के ऊपर सबसे पहले जो है वो मज़हब का झंडा उठा लेते हैं और उसके अंदर वो रंग जाते हैं। तो आपसे जो बात ये कहता है गोरा साहब, वो गलत कहता है। देखिए, कनाडा अमेरिका में तो ये सिचुएशन हमें नज़र आ ही रही है, और ये मामला इस वक्त फ्रांस में और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में अपनी गर्मा गर्मी की इंतहाओं को छू रहा है। तो वहाँ पर जो मुस्लिम डायस्पोरा हैं इंग्लैंड में, फ्रांस में और यूरोपियन यूनियन के दीगर ममालिक में, वहाँ पर आपका भी आना जाना बहुत रहता है, क्या आपको सूरत-ए-हाल नज़र आती है कोई रिफॉर्म की या कोई अंडरस्टैंडिंग की? नहीं, रिफॉर्म की बिल्कुल नहीं है गोरा साहब। देखिए, इससे सोचिए, हम फ्रांस की आपने बात की, राइट? फ्रांस के अंदर जो लोग रहते हैं, मोरक्को के लोग रहते हैं, ट्यूनिस के रहते हैं, लीबिया के रहते हैं, साल हर साल से रहते हैं, राइट? अभी पिछले दिनों जब ये वहाँ पे बुरी तरीके से कुछ लोगों को ज़बह किया फ्रांस में, पेरिस में या किसी नीस के शहर में, तो वो उसके ऊपर जो महातीर मोहम्मद साहब मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा बयान जड़ दिया कि अगर मुसलमान बदला लेने पे आएँ तो मिलियंस ऑफ फ्रेंच को वो कत्ल कर देना चाहिए, उनका हक बनता है कत्ल कर दें, क्योंकि इससे पहले मुसलमान जो थे वो इन्होंने नौ आबादी की ताकत ने मिलियनों मुसलमानों को कत्ल किया था। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब मुसलमान अपनी आबादियां सारी दुनिया में लेके बैठे हुए थे, तो वो भी तो जब हुकूमत, चाहे तुर्की की हुकूमत थी, खुसूसन तुर्की के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि उनका क्या माजी रहा है, तो वो तो अपनी अकलियतों को और अपने अतराफ के लोगों को ग़ुलाम बनाते और कत्ल ही करते रहे ना। तो उनकी सरिश में बैठा हुआ है कि हम जो थे अपने वक्त के पुराने बड़े लोग थे और हम अभी वही करना चाहेंगे जो हम पहले करते थे, उसकी हमें मज़हब इजाज़त देता। तो क्या आपको इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है कि मुसलमानों की जो मास कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, चलिए जो मुसलमान ममालिक में हैं उन पर तो अख्तियार नहीं है हमारा या वेस्टर्न वर्ल्ड का, कम से कम अपने इन मुल्कों में वो कॉन्स्टिट्यूशंस की परवाह करें और रिस्पेक्ट करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की? नहीं, वो नहीं करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे, उसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उनकी जिबलत में ये है कि हम जिस भी मुल्क में बसे हुए हैं वहाँ के आइन के ऊपर हमारा जो शरिया और हमारा जो कुरान है वो बरतर और उसके ऊपर सरबुलंद है, उसका बोलबाला होगा, बाकी ये सब आर्जी बातें हैं। बदकिस्मती से ये हमारी सरिश्त में घुसा हुआ है, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपकी अजीज़ा ने, हमारी एक अजीज़ा ने बहुत अच्छा टोरंटो स्टार में जो कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने यही बात की है कि हमने तो सब कुछ, जितनी भी ज्यादतियाँ की हैं वो इस्लाम के नाम पर की हैं, और अभी भी उन ज्यादतियों को हम कायम रखना चाहते हैं, और जब कोई हमसे कहता है कि ये इस्लाम के नाम पर तुम कर रहे हो, तो वो सब तो कहते हैं कि आपने इस्लाम की तौहीन कर दी। तो इस सारी बहुत ही ग्रेव सिचुएशन में जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कहते हैं, फॉर एग्जांपल, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी कुछ हदें होनी चाहिए, तो आप इसे क्या मतलब लेते हैं? देखिए, वो ना एक एहसास जुर्म या गिल्टी कॉन्शियस के तहत वो ये बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले उनका रवैया बदकिस्मती से सफ़ेद फाम वज़ीर आज़म या सफ़ेद फाम लिबरल या सफ़ेद फाम कैनेडियन शहरी होने की वजह से उनका रवैया भी बहुत ज़्यादा नस्ल परस्ताना रह चुका है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक ब्लैक फेस का तमाशा शुरू किया था, और ब्लैक फेस जो है वो बुरी
हरकत है जिसके ज़रिए आप अपने मुंह को काला पॉलिश करके, काला रंग लगा के और मजहब का उड़ाने के लिए सियाह फाम लोगों का आप शामिल होते हैं। जब ये बात सामने आई तो वो क्या कहते हैं कि उससे उन्होंने कभी खुल के माफ़ी भी नहीं मांगी, और वही तरीका ये उनको एहसास है जो मेजोरिटी कॉन्शियस जो है, जिसकी वजह से वो जाके मुसलमानों की तरफ ये जाने करना चाहते हैं कि तुम हमारे भी गौर साहब, ये जो ट्रूडो वगैरह हैं और ये कल कोई और भी पार्टी वाला हो सकता है, ये सिर्फ मुसलमानों की हिमायत सिर्फ उनका वोट लेने के लिए करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मजहबी रिस्पेक्ट करो या नहीं करो, खुद भी कई दफ़ा नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुसलमान जो शातिर सियासतदान हैं उन्होंने ये इनकी कमज़ोरी को पकड़ लिया है, बिलखसूस जो आज़ादी मजहब की इजाज़त है अमरीका में या कैनेडा में या दूसरे मुल्कों में, वो वहाँ सिर्फ उसको अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरों की बात आती है तो उसको सामने नहीं रखते हैं। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हो या और पॉलिटिशियंस हो, वो तो अपने वोट के चक्कर में ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन इससे क्या आप नहीं समझते कि समाज का जो सोशल फैब्रिक जिसको हम कहते हैं वो बर्बाद हो जाता है, और जो पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो बर्बाद हो जाते हैं? गौरव साहब, अगर उनको इनसे दिलचस्पी होती ना तो वो इस मज़हब के खेल में पड़ते ही नहीं। यानी मैं अपने सियासतदानों की, मग़रिब के सियासतदानों की, बिलखसूस कैनेडा के सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, कि अगर उनको इससे दिलचस्पी हो इस मामले से दिलचस्पी होती कि हमारी अकदार जो कैनेडियन अकदार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आइनी अकदार हैं, मैं नहीं कह रहा कोई मग़रिबी अकदार हैं, बल्कि जो सबकी अपनाई हुई आइनी अकदार हैं, उनको कोई जग पहुँचेगी इन हरकतों से, उनको इसका अंदाज़ा होता तो इस खेल में वो पड़ते ही नहीं। लेकिन उसको उन्होंने पसे पुश रख दिया है, और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी अपनी ये आपने मिसेस आगर की मेयर का भी तो देखा ना, कि जब मस्जिदों से अजाने डालने का मसला चला था रमज़ान में, तो मिसेस आगर की मेयर कैसे आगे आई थी, उन्होंने क्या काम किया था, फिर मजबूरी को उन्हें हम तो कहते हैं सबको इजाज़त उनको हिंदुओं को भी देनी पड़ी, अब उन्हें ईसाइयों को भी इजाज़त देनी पड़ी, लेकिन वो मजहब को तो उन्होंने आने दिया ना पब्लिक स्पेस में, जिसके हम सब और जो भी नेक नियत नेक दिल लोग हैं उसके खिलाफ रहे कि मजहब को पब्लिक स्पेस में नहीं आने दो, बल्कि सबको एक सेकुलर निज़ाम में रहने दो जिसमें आप अपना जो दिल चाहे कीजिए, लेकिन दूसरे पे अपने मजहबी वैल्यू नाफिज नहीं कीजिए। सो ये कहना कि आप हमारे मजहब की तौहीन कर रहे हैं, उसके ज़रिए से हमदर्दी वसूल करना है, भी अपनी वैल्यू को दूसरे के ऊपर इम्पोज करना है। आपने सर सेकुलर वैल्यूज़ की बात की, तो मुसलमानों की अक्सरियत का दूसरों से मुतालबा तो होता है कि आप सेकुलर रहें, लेकिन हम अपने ही अकदार को मानेंगे, उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। भारत इसकी बड़ी मिसाल है कि भारत में मुसलमान हिंदुओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप सेकुलर रहें, हम अपनी इस्लामी अकदार को ही अपनाए रखेंगे। तो ये सूरत हाल आपको अक्रॉस द बोर्ड नज़र आती है? जी सही, कायनाती है। भारत की तो मिसाल आपने दी ना, भारत की तो मिसाल है सामने, लेकिन ये कायनाती है, ये यूरोप में है, ये फ्रांस में है, ये ऑस्ट्रिया में है, बर्तानिया में, जहाँ जहाँ इनका बस चल रहा है वहाँ पे ये अपना दाव चला रहे हैं। ऐसे बड़ा हम मुसलमान, मतलब हमसे कोई गैर लोग नहीं है। और बात सिर्फ ये आ जाती है कि वो जो है, यानी मैं चूँकि मुसलमान हूँ, उसने मैं कह रहा हूँ कि हम मुसलमान ये कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने कहीं बाहर से आके मुसलमानों पर अटैक कर दिया। बुनियादी तौर पे हम ये रोज़ाना देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, और हम हरगिज़ अभी चंद लोगों ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुल के ये बात नहीं करते। अब वो कहते भी सिर्फ लोग, अब बेवकूफ़ बनाने के लिए भी ये बात कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से तो करवाना चाहते हैं ना। तो सर, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल एक खुले अंदाज के साथ एनालाइज कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, अब एक और ख़दशा आप जैसे रैशनलिस्ट थिंकर्स को आता है कि आप पर इस्लामोफोबिया का लेबल लग जाता है, या अगर कोई फॉरनर है या नॉन मुस्लिम है वो तो इस्लामोफोब ठहर ही जाता है? देखिए सर, ये आपने बहुत उम्दा बात उठाई इस्लामोफोबिया की, राइट। अब अगर हम देखें ये लफ्ज़ इस्लामोफोबिया आया कहाँ से, ठीक है, तो हम जब नौजवान थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो एक लफ्ज़ वहाँ इस्लाम दुश्मन चलता था, एक इस्लाम दोस्त चले, जमीयत वाले, इस्लामी जमीयत तलबा वाले, एक्सट्रीम जो 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 रखते हैं सोच मजहब के बारे में, और जो जो मजहब को नाफिस करना चाहते हैं निज़ाम हुकूमत पे, वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ सबसे पहले इस्लाम दो दुश्मन का नारा लगाते थे। तो हम तो इस नारे का कब से शिकार हैं, तो हमें उसकी फ़िक्र नहीं इस्लामोफोबिया। लेकिन अभी देखिए, इस्लामोफोबिया आया कहाँ से? इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ भी वो मग़रिब से ही लेके आए, जो 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 यूरोप में एंटी सेमिटिज़म का मामला था, यहूद दुश्मनी का कोई जेन्युइन मामला था,
कि 6 मिलियन लोगों को आपने हॉलोकॉस्ट में मार दिया, तो उसके नतीजे में एक टर्म एंटी सेमिटिज्म होके आई। तो इन्होंने उस एंटी सेमिटिज्म का टर्म का तर्जुमा इस्लामोफोबिया कर दिया। लोग जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये भी एक ढकोसला है। आपने एंटी सेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया की जो इक्वेशन करते हैं कुछ कम्युनिटीज़, ख़ासतौर पर हमारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटीज़, उसका ज़िक्र किया। इमरान ख़ान ने भी ज़िक्र किया कि अगर एंटी सेमिटिज़म को हेट क्राइम समझा जाता है तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की इंसल्ट या इस्लाम की इंसल्ट को भी हेट क्राइम समझा जाए। मगर क्या मुनीर साहब वो इस फ़र्क को समझते हैं कि जुदाइज़म को तो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, इवन इसराइल में किया जा सकता है, यहाँ पर जो एंटी सेमिटिज़म है जिसका आपने तस्करा किया वो जीनोसाइड था 6 मिलियन यहूदियों का, उस हकीकत को ना मानना एंटी सेमिटिज़म है? हाँ, यही वजाहत ही करनी। देखिए, एंटी सेमिटिज्म का मतलब है कि सेमाइट नस्ल के लोगों की नस्ल कुशी करना। सेमाइट नस्ल यानी सामियों नस्ल होगी। सामियों नस्ल वो लोग कि जो उस इलाके में रहते थे, जो इब्रानियों का इलाका था, जो 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 यहूदियों का इलाका था, जो पुराना लैटिन किंगडम थी जहाँ ये मजहब आबाद थे, वहाँ पे जो 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 यहूद दुश्मनी पहले क्रिश्चियंस ने शुरू की थी, और बदकिस्मती से क्रिश्चियंस ही ये काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी किया था वो काम, वो गलत किया था। हमने उसको उठा के अपना लिया क्योंकि हमारे अंदर भी यहूद दुश्मनी, और ये भी हम मुसलमान अपने मजहब की रिवायतों से ही लेके आते हैं। ये बदकिस्मती बातें भी हम यहूद दुश्मनी की भी अपने रसूल की हदीसों और सुन्नतों से ही लेके आते हैं, ये भी हम कुरान से ही लेके आते हैं। इसके लिए मगरिब जब उसका बहुत बुरा शिकार हुआ गोरे साहब, तो अब से कोई 150-200 साल पहले उन्होंने, पहले वो अपने एक दूसरे की कत्लो गारत गरी करते थे, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मारते थे, प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक को मारते थे, वो क्रूसेड्स लड़ते थे। लेकिन अब आप देखते होंगे कि कोई भी मगरिबी दुनिया का रहनुमा ये नहीं कहता है कि हमने क्रूसेड में शिकस्त, सलीबी जंगों में शिकस्त खाई थी मुसलमानों से, अब हम उनका बदला लेने के लिए ये काम करें, नहीं कहता है कोई भी, आम तौर पे नहीं कहता है। ट्रंप जैसे लोग कभी कभी ये बात कहते हैं तो जहालत पे मबनी होती है। तो हमारी क्वेश्चन जो है एंटी सेमिटिज्म की इस्लामोफोबिया के साथ, वो गलत है। इस्लामोफोबिया कैन नेवर बी इक्वल टू एंटी सेमिटिज्म, ओके, विच वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ अ पीपल, 6 मिलियन पीपल। अभी किसी को 6 मिलियन लोगों को आप मार दें तो फिर आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या किया है। उस वक्त आप कहेंगे इस्लामोफोबिया हो रहा है कि आपने वो किसे किया, सारे मुसलमानों को आप कैनेडा में पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप्स में डालें और फिर आप उनको गैस कर दें, फिर आप उनको भट्टियों में, वो होगा इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया ये नहीं है कि आप इस्लाम की रिवायतों की को निज़ाम रियासत पे नाफिज करने की बात, वो इस्लामोफोबिया नहीं है। वो क्रिटिसिज्म तो करेंगे, भाई आप क्यों करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान से लेके कनाडा, अमेरिका, यूरोप तक में बसने वाली जो मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं वो इस्लामोफोबिया को, जो अब एंटी सेमिटिज़म के साथ जोड़ रहे हैं, वो एक तो नासमझी है और दूसरा वो एक पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर बरत रहे हैं। तो वेस्ट को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, चूँकि वेस्ट की तरफ से हमें इस बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स फिलॉसफीज़ हैं दोनों, इस पर कोई रेस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा। गौर साहब, वैस को बहुत टाइम लगेगा और ज़ाहिर है कभी कभी तो कोई वक्त बदला जाएगा। रहे वैस को ये समझ, वैस के जो सियासी रहनुमा हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान कभी भी हमारी रिवायतों को दिल से तस्लीम करने वाले नहीं हैं। तो उनको अपने सियासी चुनाव में जिन मुसलमानों से डील, अगर वो समझते हैं मुसलमान मिनहसुल कौम कोई चीज़ है, जबकि इकाई नहीं है, अरब मुसलमान अलग हैं, फलाने मुसलमान अलग हैं, पाकिस्तानी मुसलमान अलग हैं, अफगान मुसलमान हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उनके वोट हमें लेने के लिए उनके मजहब की परवाह नहीं करनी है, हमें उनके वोट लेने के लिए उनके ख्यालात की, उनकी तालीम की, उनकी पढ़ाई लिखाई की कदर करनी है। लेकिन अगर वो आइनी तौर पर इवन पार्लियामेंट के अंदर कोई मसला लाएंगे अपने मजहब की बुनियाद पर कानून बनाने का, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये बात मगरिब ने समझने से इनकार कर रखा है। बदकिस्मत फ्रांस वाले करते हैं, उसके ऊपर मैं बात करनी चाहूँगा अगर आप मौका जी, देंगे जी, जरूर, कि फ्रांस क्यों फ्रांस अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमें बताइए कि क्या इसकी वजह है।
देखिए फ्रांस की जो बार बार लोग समझते हैं जो फ्रेंच सेकुलरिज्म, देखिए सेकुलरिज्म बुनियादी तौर पे यह है कि मजहब और रियासत एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, मजहब और रियासत में फ़र्क होना चाहिए, इंसान को अपना मजहब रखने की इजाज़त है, अंदर प्राइवेटली जो मर्जी जाके करे। फ्रेंच लोगों ने, फ्रांसीसियों ने साल हर साल तक उनके 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 इदारों के ऊपर रोमन कैथोलिक चर्च का या रोमन कैथोलिक इदारों का असर रसूख था, कब्जा था, उनको बहुत ज़्यादा मराआत दी जाती थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की और उनकी उनकी जंगें हुई, मतलब एक तरह से जद्दोजहद हुई, पुरतशद्दुद भी हुई रोमन कैथोलिक गिरजे के और के करता धरता लोगों के ख़िलाफ़। उन्होंने उनकी सारी मराहत ख़त्म कर दी और उन्होंने ये बात तय कर दी कि हमारी फ्रेंच वैल्यूज़ के अंदर मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। पहले ये उन्होंने रोमन कैथोलिक्स के साथ या ईसाइयों के साथ किया, उनको यह अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ही नौ आबादियातों से बाद में जो दूसरे मजहब के लोग, बिलखसूस जो मुसलमान मजहब के लोग आएंगे, वो हमसे वही सारी मराहत मांगनी शुरू करेंगे, हमसे वही सारी रिस्पेक्ट मांगनी शुरू करेंगे, वो उसके लिए राज़ी नहीं थे। तो फ्रेंच निज़ाम जो लाइसिते का है, वो निज़ाम ये रिक्वेस्ट करता है, ये डिमांड करता है कि मजहब की बुनियाद पर किसी को कोई रियायत नहीं मिले, उसको वो लोग इस्लामोफोबिया कहते हैं। एक मसला तो पॉलिटिशियन का है कि पॉलिटिशियन समझ नहीं पा रहे कि इस्लामोफोबिया और एंटी सेमिटिज़म का क्या फ़र्क है और एक फ़र्क कैसे वाजे होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और मुसलमानों के जज्बात हर्ट होने का। सियासतदानों की अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं या उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, मगर जब हम मुनीर साहब वेस्ट के मीडिया को मजमू तौर पर देखते हैं, वेस्ट की अकेडेमिया को देखते हैं, वेस्ट के इवन राइटर्स के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उनको देखते हैं, तो वो भी मुसलमानों के इस जो सेंटिमेंट्स हर्ट होने के मसले को टो करते हैं और एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंडोर्समेंट करते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल हॉलस है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कहता हूँ, ये इंटेलेक्चुअल दिवालियापन है, खुसूसन मगरिब के लिखने वालों को, पढ़ने वालों को इस बात से गरज नहीं होनी चाहिए कि किस मजहब का बोलबाला होगा, किस मजहब का बिलखसूस एहतराम करें, या तो सब मजहबों का एक जैसा एहतराम करें, जबकि वो जो कि वो नहीं, जब वो अपने मजहब का एहतराम नहीं करते हैं तो वो क्यों तवक्को करते हैं कि वो जाके गैर मजहब यानी मुस्लिम मजहब का एहतराम करेंगे, तो ज़बरदस्ती का जो अपने पर डालते हैं। आपने मीडिया की बात की तो मीडिया में मैं आपको खुल्लम खुल्ला ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो बड़ा मीडिया है जिसमें टोरंटो स्टार है, जिसमें ग्लोबल मेल है, मैं टोरंटो की मिसालें, कैनेडा की मिसाल, जिसमें आपका सीबीसी रेडियो है, राइट, सीबीसी टेलीविजन, वहाँ से सिस्टमेटिकली जो सेकुलर सोच रखने वाले मुसलमान थे उनको देश निकाला दिया गया, उनको दाखला नहीं दिया जाता, उन पर पाबंदी लगाई जाती है। जब एक कंजर्वेटिव अखबार, सन अखबार लोगों को जगह देता है तो उस पर भी इल्ज़ाम लगता है कि इस्लामोफोबिया कर रहा है। उन्होंने सिस्टमेटिकली अपने यहाँ से उन सब लोगों की आवाज़ें बंद कर दी, जिसमें मेरी आवाज़ भी शामिल है, आप मतलब हम कोई बहुत बड़े 30 मार खां तो नहीं है, आपकी भी आवाज़ शामिल है, हमारे और अजीज़ दोस्तों की भी आवाज़ शामिल है जो जिनको इजाज़त नहीं है कि यहाँ आया जाए, तो उनको वहाँ पे भी जो लोग हैं उनको आप जोक दर जोक जाके देख लें तो आप देखेंगे कि उन सब के नज़रियात वही थे जो कैनेडा के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन, इसना और इकना जैसे लोगों के थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये काम सिस्टमेटिकली किया है। तो इस वजह से आपको ये बात नज़र आती है कनाडा के मीडिया में या मगरिब के मीडिया में। आखिर में सर ये बताइए कि इस सारी पचीदा सूरत हाल का कोई हल हो सकता है? इसका हल, गौर से हम बार बार ये कहते हैं, इसका हल सिर्फ यही कि मुसलमानों को, मैं नहीं कहता हुकूमतों, मुसलमानों को मिनहसुल कौम सेकुलर सिस्टम्स को और इस सिस्टम को कि मजहब और रियासत में फ़र्क जुदा है, ज़रूरी है, इसको समझना चाहिए। जब तक वो ये नहीं समझेंगे हम यही गंभीरता, यही मुसीबतें और यही कत्लो गारतगरी हम बार बार देखते रहेंगे। और बहुत आखिर में हम ये एज्यूम करते हैं और ये फैक्ट्स भी हैं कि वो नहीं समझते, तो क्या हुकूमतों को, ख़ासतौर पर मगरबी दुनिया की हुकूमतों को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप होल्ड करने के लिए क्या अपने रवैये सख्त करने चाहिए? बदकिस्मती से गोरे, हाँ करने तो चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मगरब की जो जमहूरी निज़ाम है, जो आज़ादियाँ हैं, उसमें ये जबर आप कर नहीं सकते हैं। और इस नरमी का जो है वो मुसलमान, उस कस्म के लोग जो इन रवायत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, मगरब की सेकुलर रवायत को, वो उसको अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं, तो एक कैश 22 सिचुएशन है, इससे निकालना मिलना बहुत मुश्किल है।
बहुत ही आखिर में अगर कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि आज गुफ्तगू में आपने और मैंने मिस की हो। नहीं, हमने सारी बातें कवर की, लेकिन बात जो उभर उभर के बार बार ये आती है, और ये मग़रिब को समझना है, यहाँ के सियासी रहनुमाओं को समझना है कि हमें मुसलमानों को जाके सिर्फ मजहब के और तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के मामले में जज्बाती तौर पे हमें सरनगू नहीं होना चाहिए। और जब ये ऐसी बातें आएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक कैनेडा की गवर्नमेंट ने फ्रांसीसियों की, खुसूसन सदर मैक्रों की खुल के हिमायत नहीं की है। उनको बुलंदो बाला तरीके से जब भी किसी के साथ ज्यादती हो तो खड़े होकर कहना चाहिए, और कोई भी उसमें बीच का कोई रास्ता निकाल के दोनों तरफ अपना कदम नहीं रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीष साहब, आपने वक्त दिया। हमारे व्यूअर्स आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से देखना और सुनना चाहते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आप मसरूफ़ रहते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी और कोशिश होगी कि आपको हम गाहे बगाहे आपकी राय अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया गौरव साहब। बातचीत सुन रहे थे जनाब मुनीर परवेज़ सामी साहब की यूके टॉक शो में, और उन्होंने खुल कर जिस अंदाज से इस बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मसला पर बातचीत का इजहार किया, वो अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का यूके टॉक शो मेरे साथ और जनाब मुनीर परवेज़ सामी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time.